करीब आधा घंटा तक कराहल की सड़कों पर ड्राइवर दौड़ाता रहा आरटीओ की गाड़ी। वजह पूछने पर आरटीओ ने झूठ बोला कि बैंक में स्वाइन करने गया था ड्राइवर, जबकि आज तो बैंक की छुट्टी थी। खबर कराहल से है, जहां कराहल तहसील मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से आरटीओ की गाड़ी पुलिस थाने के आगे और एवं करिया देह चौराहे से कृषि मंडी तरफ गई, फिर वापस लौटकर करिया देह चौराहे पर आकर एक बकरी की दुकान पर आकर खड़ी हो गई, जहां से ड्राइवर ने कुछ खरीदा और जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गया। आरटीओ की गाड़ी देखकर कई अनफिटनेस वाली गाड़ियां साइड से खड़ी हो गई एवं कई वाहन जो मुख्य चौराहे पर खड़े रहते उनके ड्राइवर भी आरटीओ की गाड़ी देख कार्रवाई के डर से वाहनों को इधर उधर लेकर निकल गए। जबकि जिला कलेक्टर लोकेश जांगिड़ के सख्त निर्देश हैं कि जो अनफिट बस एवं नंबर 2 की बसें चल रही हैं उनकी परिवहन विभाग द्वारा शीघ्र जांच की जाए एवं कार्रवाई की जाए, लेकिन कराहल में तो सिर्फ ड्राइवर ही गाड़ी लेकर घूमता नजर आया है। यदि सूत्रों की माने तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि आरटीओ साहब की गाड़ी आए दिन कुछ निजी व्यवस्थाओं में क्षेत्र में घूमती रहती हैं। जब इस बारे में आरटीओ राम सिया चक से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे ड्राइवर को बैंक में स्वाइन करने थे, उस पर कोई साधन नहीं था, इसलिए ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। मगर या आरटीओ साहब जवाब देते समय या भूल गए कि आज तो बैंक की छुट्टी है, फिर ड्राइवर कौन से स्पेशल साइन करने गया था। जब इस छुट्टी की पुष्टि के लिए हमारे रिपोर्टर द्वारा एसबीआई बैंक मैनेजर प्रकाश कुमार से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आज सरकारी छुट्टी है, जिसके चलते कराहल बैंक बंद है।